हेलो एवरीवन, जय हिंद। ये आपके सामने हम रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन लेके आए हैं ग्रेड थ्री का। ये हम उन्होंने ये ट्वीट करके बताया। अतनुभयान ये जर्नलिस्ट है, ये एक वेरीफाइड अकाउंट है। ये आप हमारा सेंटेंस में बोल रहे हैं, रिजल्ट्स फॉर द ग्रेड थ्री जॉब रिक्रूटमेंट टेस्ट आर लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाई असम गवर्नमेंट ऑन November 4th और November 5th। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट बहुत जल्दी होने वाला है। ये है हमारा 4th of November या फिर 5th November, दोनों डेट में से किसी एक डेट में हमारा होने वाला है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पूरा सोशल मीडिया में जो स्प्रेड हो रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहा है कि वेदर दिस इज़ फॉल्स और ट्रू। अब ये कहना तो मुश्किल है कि ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन हमने इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट क्रॉस चेक किया। हाँ जी, ये उन्होंने ऑफिशियली ही ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर या फिर हमारे ऑनरेबल CM सर से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन इनका अकाउंट जो कि वेरीफाइड है और ये एक जर्नलिस्ट है जो कि अभी गुवाहाटी में है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत एक रिनाउंड एक एजुकेशनलिस्ट प्लस एक एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं। तो ये इनका ट्विटर अकाउंट को आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। वो बहुत जेन्युइन फैक्ट को लेके वो पोस्ट करते हैं हमेशा, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये चीज़ मतलब ट्वीट करके बताया है, इसका मतलब इनका सोर्स सही होगा और वी कैन ट्रस्ट हिम। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये मतलब डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करके ले आऊँ। अगर इन्होंने ये चीज़ पोस्ट किया है, इसका मतलब बैकग्राउंड में उनको कोई एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला है, तब जाके इन्होंने ये चीज़ पोस्ट किया है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका November 4th या फिर November 5th में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 101% श्योर नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऑनरेबल CM सर से ये नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। लेकिन जो कि ये अकाउंट वेरीफाइड है और ये एक बहुत एक रिनाउंड न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इनका सेंटेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, दिस विल बी ट्रू। ठीक है, ये क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ग्रेड फोर के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है फॉर स्किल टेस्ट और फॉर इंटरव्यू, मैं उसका अलग सा एक वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। और ग्रेड थ्री का भी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाला है फॉर स्किल टेस्ट एंड वाइवा, उसके लिए भी मैं अलग सा और एक वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। इसी वीडियो यही तक रहने देते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आई वेलकम यू ऑल, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रख दीजिए ताकि अगला आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। टेक केयर एंड बाय बाय।